शिव पुराण अध्याय एक। शिव पुराण का आरंभ शौनक मुनि द्वारा पुराणों की कथाओं के सारतत्व संबंधित प्रश्न से है। शौनक जी महर्षि व्यास के शिष्य ले महर्षण सूत जी से प्रश्न पूछते हुए कहते हैं, अतः आप पुराणों के सारतत्व के विषय में विस्तार से बताकर मेरी जिज्ञासा को शांत करें। मुनिव, ज्ञान वैराग्य और भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे होती है? काम, क्रोध, मोह और अहंकार साधारण मनुष्य इस मानसिक विकारों का निवारक कोई साधु पुरुष किस प्रकार कर सकते हैं? इस कलयुग में सभी जीव तामसिक प्रवृत्ति के हो गए हैं। उस जीव समुदाय के अंतःकरण की शुद्धि किस साधन द्वारा संभव है? मुनिव, मुझे कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो, पवित्र करने वाले उपायों में सबसे पवित्रकारी उपाय हो। मुनिव, वह ऐसा उत्कृष्ट साधन हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही जीव के अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उसमें निर्मल चित्त वाले प्राणियों को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। इन प्रश्नों के प्रत्युत्तर में महर्षि सूची कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ शौनक, तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने की विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर तुमसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। शिव पुराण संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न, भक्ति प्रेम को बढ़ाने वाला एवं शिव जी को संतुष्ट करने वाला साधन है। यह शास्त्र कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप तथा दिव्य है, तुम इसे श्रवण करो। मुने, वह परम उत्तम शास्त्र है शिव पुराण, जिसका पूर्वकाल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था। यह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से इस पुराण का संक्षेप में प्रतिपादन किया है। इस पुराण के प्रण्य का उद्देश्य है कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के परम हित का साधन। यह शिव पुराण बहुत ही उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर शिव का वाणी स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्वसाधारण रूप है। इससे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थितियों में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है अथवा इसके अध्ययन को अभीष्ट साधन माना है। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। मनुष्य अगर महादेव भगवान शिव के इस पुराण को सुने तो वह सब पापों से मुक्त हो जाता है एवं इस मनुष्य जीवन में बड़े से बड़े भोगों का उपभोग करके अंततः शिवलोक को प्राप्त होता है। यह पवित्र शिव पुराण ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है तथा इस ग्रंथ की 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य संपन्न होकर बड़े आदर से इसका श्रवण करे। मुने, वह परम उत्तम शास्त्र है शिव पुराण, जिसका पूर्वकाल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था। यह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से इस पुराण का संक्षेप में प्रतिपादन किया है। इस पुराण के प्रण्य का उद्देश्य है कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के परम हित का साधन। यह शिव पुराण बहुत ही उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर शिव का वाणी स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्वसाधारण रूप है। इससे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थितियों में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है अथवा इसके अध्ययन को अभीष्ट साधन माना है। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। यह दिव्य शिव पुराण जो 7 संहिताओं से युक्त है, यह परब्रह्मा परमात्मा के समान विराजमान है, ऐसी गति प्रदान करने वाला है जो कि सबसे उत्कृष्ट गति होगी। जो व्यक्ति निरंतर अनुसंधान पूर्वक शिव पुराण को बोलता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है, वह व्यक्ति निश्चय ही पुण्यात्मा है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो श्रेष्ठ बुद्धि वाला मनुष्य अंतकाल में भक्तिपूर्वक शिव पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद धाम प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति प्रत्येक दिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण की पूजा करता है, वह व्यक्ति इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोगकर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा भगवान का सर्वस्व है। जो इहलोक और परलोक में भी सुख चाहता हो, वह आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करे। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी 4 पुरुषार्थों को देने वाला है। इसलिए इसका सदा प्रेम पूर्वक श्रवण एवं पाठन करना चाहिए। कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, जरूर बताएं और आगे भी ऐसी वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए अभी सब्सक्राइब करें।